देखिए भाई, ये बल्ब है, इधर इधर लगाए तो कहीं पे भी करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे लगाए तो देखिए ये आ रहा। मैं वैक्सीन लिए हुआ हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। देश में कुछ लोग वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि फिलहाल कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है और हर किसी को वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वैक्सीन को लेकर हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 के टीकाकरण के बाद टीका लगाए हुए बाहों से बिजली उत्पन्न हो जाती है। भला ये कैसे हो सकता है? वीडियो के मुताबिक वैक्सीन लगी बाह में बिजली पैदा होती है। वही वीडियो में एक शख्स ये दावा कर रहा है कि बाह में जिस जगह पर उसने वैक्सीन लगवाई, वहां पर बिजली के बल्ब को टच करने से वो जलने लगती है, जबकि वैक्सीन वाली जगह से हटाकर बाह में दूसरी जगह बल्ब को टच करने पर ऐसा नहीं होता। शख्स का दावा है कि वैक्सीन वाली जगह पर करंट है और इसलिए बल्ब जलता है। मामला वैक्सीन को लेकर था, इसलिए सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने इसे गंभीरता से लेते हुए पड़ताल की। जांच के बाद एजेंसी ने इस दावे को फर्जी बताया। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक वीडियो में वैक्सीन को लेकर दावा किया जा रहा है और वो बिल्कुल फर्जी है। वही फैक्ट चेक एजेंसी के मुताबिक कोविड-19 के टीकों में धातु या माइक्रोचिप नहीं होता और ना ही वैक्सीन लेने के बाद शरीर में कोई भी चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कि बल्ब जलने का दावा सरासर झूठ है। एजेंसी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि फर्जी सूचनाओं पर विश्वास न करें, टीकाकरण जरूर करवाएं। उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।